नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार। और आज जो कलर का भर्ती था, बंदे सब निकल रहे हैं और मेरे पीछे साइड में बंदे सब हैं, फिजिकल दे के आए हैं और क्वालिफाइड भी हैं। और इनके बैच में कितने को अनफिट किया, मतलब किसी का प्रॉब्लम की वजह से डबल डॉक्यूमेंट हो या फिर हाइट ना हो या चेस्ट ना फूल रहा हो, इन सभी चीज़ों पर बातें करेंगे अभी। और इन्होंने आप लोग को सजेशन देंगे क्योंकि ये पास हैं, आप अभी अनपास हैं जो देख रहे हैं, और इन आपको बताएंगे। तो इनके बातों को थोड़ा सा फॉलो करें। भर्ती कैसा रहा? भर्ती बहुत अच्छा रहा। आप भैया? बहुत बढ़िया रहा। आप? बहुत बढ़िया। गुड एक्सलेंट। गुड गुड। आप भैया? बहुत अच्छा रहा। भर्ती वैसे गुड एक्सलेंट। थैंक गुड। आपने कितना क्वेश्चन टच किए थे? हम 48 हो मार्क। आप भैया? हम 49 क्वेश्चन सही किए तो 40 प्लस सही है। 40 प्लस। हां मेरा बेलास। आप भैया? 42 प्लस सही है। आज क्या चीज का भर्ती था? आज के आर्मी कलर का था। कलर का टेक्निकल कर रहे हैं। आप क्या चीज में हैं? आप कलर में। आप कलर में? जी कलर। सभी कलर का। अच्छा देखिए, सबका फिजिकल नहीं, सबका रनिंग सेम होता है। हां सेम होता है। फिजिकल में पीएमटी और पीएफटी। जी तो पीएमटी होता है थोड़ा सा अंतर हाइट में, लेकिन पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट उसका भी सबका सेम होता है। जी तो इसमें डॉक्यूमेंट और अलग अलग लिया जाता है जीडी टेक्निकल से। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लिया वो थोड़ा सा स्टूडेंट को समझा दें। डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट सरपंच से चार को होता है। हाँ हाँ। करेक्टर सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और एक तो जाति। हाँ हाँ। हो गया। हाँ। और 12th का मार्कशीट और 10th का मार्कशीट। हाँ 10th का मार्कशीट और उसका पंजीयन अगर रहेगा तो पंजीयन भी। हाँ एडमिट कार्ड भी। ठीक है। और फोटो, फोटो कॉपी उसका वो भी रहना चाहिए। अच्छा, एक को फोटो कॉपी। हाँ बस। और थाना के आचरण चाहिए। एजुकेबल ये जाति और निवास चाहिए। निवास चाहिए बस। जी फोटो कितना लग रहा है? फोटो 10 के आसपास लग जाएगा। 10? हाँ। कितना लेकर आए थे आप? 10 लेकर आए थे। 10 लेकर आए, बच गया अभी। मेडिकल वाले में कितना फोटो बोला है लेकर आने के लिए? क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, स्लिप दिया। स्लिप दिया तभी तो बोले हैं कि फोटो लेके आना, जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट लेके आए। लेकिन फोटो कितना लेकर आना ही ना बताया। मैक्सिमम 20 फोटो रखिए। 20 फोटो रखिए। 20 फोटो रखिए अपने पास। 20 फोटो। कैसे रनिंग किए था? रनिंग हम किए थे पहला बच में, मतलब दौड़े थे कलर का पहला बच में। हाँ तो कैसे? खाली पाँव? खाली पाँव में दौड़े थे। आप कैसे दौड़े थे? खाली पैर दौड़े थे। ट्रैक बढ़िया। अच्छा बढ़िया भाई। जिनका रनिंग निकलेगा वो ट्रैक बोलेंगे। अच्छा टाइमिंग भी ठीक दे रहा है। टाइमिंग भी ठीक, टाइमिंग भी ठीक दे रहा है। और जिनका नहीं निकलेगा वो तो एक सा बहाना ढूंढेंगे। आज नहीं बहाना ढूंढेंगे कि मेरे को ये। देखिए जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा। सफलता। जो मेहनत नहीं करेगा उसका कहाँ पाएगा। अच्छा एक चीज बताइए कि ये दलाल घूम रहे हैं अभी क्या करता है कुछ? टीसम नहीं, ये सब फालतू के लोग है। हो जाता है तो पैसा ले लेता है। अनुमानित वो उठा लेता है 20 को, लेकिन ओकरा में से 5 जरूर सिलेक्शन होगा। वही पहले ले भाई। यहां दलाल के चक्कर में मत रहना भाई। नहीं रहना यहां पे। मैंने अभी देखे इसलिए आप लोग को अपडेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से करें ताकि आप लोग का गरीब है पैसा बर्बाद ना हो। मेहनत के दम पर सफलता। हां मेहनत के दम पर सफलता। नहीं जी अन्यथा नहीं कुछ होने वाला है। अच्छा वहां पर सर जो फौज लोग हैं वहाँ पर बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट कर रहे हैं पूरा एकदम। जगह चक्कर लगाता जखने बोलता अब नहीं अब 30 मीटर 30 मीटर। आपके बैच में कितना लिया था? हाँ मेरा बैच में 40 लोग कर लिया। हमारे 25 लिया था जिसमें 5 एक्सीलेंट। 25 लिया था। अच्छा अभी तक में कितना निकला पास हो गया? क्योंकि अनफिट भी होता है ना फिर चेस्ट हाइट। देखिए 282 था कलर का, उसमें से 250 लड़का आया होगा। 250 उसमें से 250। नहीं आपके बैच में अभी कितना अनफिट हुआ वो छोड़िए। मेरे बैच में तो 4 को अनफिट हो गया। किस चीज में? एक तो चेस्ट में बहुत कम था उसका बेचारा। अच्छा, 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 एक तो हाइट में भी बहुत 60 था उसका। एक सर था ये बहुत कम था तब बेचारा। 2-4 बार गए मौका मौका दिए। बहुत भाई बहुत मौका दे रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? अच्छा अपना चेस्ट पूरा सटाक लाइएगा पूरा एकदम कम करेगा तो क्या बेनिफिट होगा। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? बस 20 दिन हुआ और कब रिजल्ट निकला। पिछला बार किए थे और इस टाइम तो 20 दिन टाइम। अच्छा आपका पहला टाइम है? नहीं नहीं हम 22 में किए थे फिर 23 में नहीं किए फिर अभी दिए थे। अच्छा अच्छा आप लोग? हम भी मुजफ्फरपुर ग्राम में गए हैं। एक नंबर में एक्सीलेंट है। यस अरे वाह हम लोग ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो उतना ध्यान नहीं रहता लेकिन बंदे बोल रहे हैं। अच्छा एक्चुअली आपने क्या इसे तैयारी किए थे घर में? कितने लड़के के बीच था कि एक्सीलेंट मार दिए आपसे? मैं दीपनगर ग्राउंड राहुल सर के यहाँ, राहुल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के यहाँ ट्रेनिंग कर तैयारी करिए थे और यहाँ पे आके एक्सीलेंट मारे हैं। लीड भी दिए हैं बहुत बंदा को।
लेकिन मेरे बैच में बंदा एक्सीलेंट बहुत कम पकड़ा। कितना बंदा लिया था? 5 ही बंदा पकड़ा। अब लीड बहुत ज्यादा आएगा उसी को लेगा, ऐसा हाँ। थोड़े है कि बहुत बंदा है तो सबको लेगा, ऐसा आप ही बताइए। टाइम के अंदर जो होगा वही उसी हाँ, टाइम को अंदर टाइम पूरा फुल दिया, 25 टाइम दिए हैं, 25 तक जो बंदा है उसको 20 तक भी टाइम दिए हैं, 20 तक भी टाइम दिए हैं। कुछ बैच में दिए, कुछ बैच में थोड़ा फुल्ली टाइम दे रहा, फुल्ली टाइम। जो भी लड़का आते हैं बैच को छोड़कर पार हो जा रहा है, पार कर चल रहा है, उनको 35 तक भी टाइम मिल रहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत अच्छा भर्ती कैसा। सभी यहाँ पे यूथ हैं, सभी अनुभवी हैं, अग्निवीर पे कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ ये 4 साल का, ये हटा देना चाहिए, कुछ अपडेट होना चाहिए। स्कीम सही है या इस पे हटाना है या बदलाव करना? बदलाव करना चाहिए, बदलाव करना है। इसलिए बोला बदलाव, आप अपना ओपिनियन बताइए, बदलाव करना, आप क्या कहना? हटा दीजिए अग्निवीर। अच्छा इनका सही है, आप भी हटा देना, हटा देना। चलिए दो तीन बंदे बोले हटाना, दो तीन बदले मतलब की हटाना तो संभव नहीं हो सकता, बदलाव करना संभव है। वही भाई साहब ने सही बोला कि बदलाव संभव है, हटाना संभव नहीं है। अब जो करेंगे सरकार, बाकी बात सब चीज अच्छा चल रहा है। नहीं तो सबको सबको 7 साल कर दी, जैसे करना है सबको कर दी। अग्निवीर से पहले बहुत सारे बंदों को जो आराम हो नहीं पाता था उसको कुछ करके 7 साल करेगा, ये कहां के नहीं। हर आर्मी को समान अधिकार देना, समान अधिकार देना चाहिए। बाकी बात सब चीज अच्छा चल रहा है। आप लोग का मेडिकल होगा, मेडिकल देने आइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। तब तक के लिए भाई जय हिंद।